हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज का जो वीडियो है वो डीजे बॉक्स पेंटिंग से रिलेटेड है। तो गाइज, अगर आपको भी डीजे बॉक्स में पेंटिंग करना सीखना है या फिर डीजे बॉक्स में पेंट करने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को देख के सीख सकते हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स का कमेंट आ रहा था कि सर, आप जो कलर मिक्स करते हैं उसमें किस तरह से करते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कलर मिक्सिंग कैसे करते हैं और हम कौन सा कलर यूज करते हैं। तो गाइज, देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। गाइज, देख सकते हैं हम आउटलाइन पहले से कर लिए हैं। अगर आपको इसका फुल डिटेल वीडियो चाहिए कि आउटलाइन हम किस तरह से करते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं जाके। और अभी आप देख सकते हैं कि हम इस पे वाइट पेंट कर रहे हैं, तो देखिए किस तरह से वाइट पेंट करते हैं हम। गाइस, तो यहाँ पे वाइट पेंट करना फिनिश हो गया है और अब हम इसके ऊपर जो है कलर चढ़ाएंगे। तो देख सकते हैं ये है पाउडर कलर और इसको हम किस तरह से मिक्स करते हैं हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको एक कप में ले लेंगे कलर को और इसमें थोड़ा सा हम वाइट पेंट डालेंगे। ये जो प्लास्टिक पेंट आपको दिख रहा है गाइस, ये पेंट जो है जैसे आप ग्रिल पेंट करते होंगे घर में, ग्रिल गेट, तो वही वाला पेंट है ये। तो एकदम थोड़ा सा लेना, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो वाइट हो जाएगा, कलर वाइट हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे, आप तारपिन का तेल भी ले सकते हैं या फिर किरोसिन तेल भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेना है घोलने के लिए। देखिए घोल लिए, अगर आपको गाढ़ा लग रहा है थोड़ा सा और तेल देंगे पतला करने के लिए, फिर देखेंगे ठीक हुआ कि नहीं, और भी गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और देंगे। इस तरह से देना है, मतलब अपने हिसाब से करना है। तेल ज़्यादा दे सकते हैं मतलब अपने हिसाब से, लेकिन पेंट ज़्यादा नहीं देना है, उसमें थोड़ा सा ही देना है। तो देखिए हम ज़्यादा तेल भी नहीं दिए हैं, मीडियम है। अब यहाँ पे हम येलो कलर भी बना लेंगे उसी तरह से जिस तरह से पहले बनाए। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम बना रहे हैं गाइज, वाइट पेंट लिए और इस पर थोड़ा सा किरोसिन तेल देंगे। हो गया, यहाँ पे हो गया देखिए। और गाइज, एक बात बता देते हैं कि वाइट पेंट को सूखने देना है। आप जो पहले वाइट पेंट किए हैं हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको सूखने देना तभी करना है। ये नहीं कि तुरंत पेंट किया और सूखा भी नहीं, उसके ऊपर चढ़ाने लगे तो क्या होगा, पीछे वाला जब का वाइट पेंट है वो हटने लगेगा। और सूखने के बाद भी ब्रश को ज़्यादा नहीं चलाना, ये जब हम कलर कर रहे हैं देखिए पिंक कलर से, तो इसके ऊपर ज़्यादा ब्रश नहीं चलाना है, नहीं तो पीछे वाला जो पेंट है आपका हट जाएगा वो। तो देखिए हल्के हाथों से करना है। तो यहाँ पे पिंक कलर हो गया और इस पर भी, इस साइड भी हम थोड़ा कर लेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कलर करते हैं। तो देखिए फिनिश हो गया। अब हम आधा येलो कलर दे रहे हैं, हाफ दे रहे हैं पिंक और हाफ दे रहे हैं येलो कलर। तो गाइस चलिए फिर देखते हैं पेंटिंग किस तरह से होता है। देखिए तो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, कहीं समझ नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वो वीडियो हम जल्द से जल्द बनाने का कोशिश करेंगे।